अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चप्पल कबाब। बड़ी ईद भी आ रही है तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके लिए जो हमें चाहिए, ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इसको ज़रा मोटा मोटा क्रश कर लिया, 2 नाइस साइज़ ऑफ टमाटोज, 3 ग्रीन चिलीज, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, 1 किलो कीमा है और ड्राई स्पाइसेस। अच्छा, सबसे पहले एक स्टेप में मैं थोड़े से ड्राई स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करूंगी एक सॉस पैन में। ये 1 स्पून ज़ीरा लिया है, ये 2 स्पूंस कोरिएंडर और तकरीबन हाफ स्पून अजवाइन का। इसको सारे मसाले को बस 2-3 मिनट के लिए हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट करके ये ड्राई मसाले, इसको अब हम चॉपर में थोड़ा सा चॉप करते हैं। अच्छा, ये मसाला थोड़ा सा चॉप करके तो हम इसको कीमे में ऐड कर देंगे सारा। ये इसी चॉपर में प्याज करेंगे, अच्छा प्याज को चॉप करके तो इसको हाथ में लेके ऐसे तो इसका जरा पानी जितना भी होगा स्क्वीज करके और फिर हम इसको कीमे में ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बारी है ये टमाटर की और ग्रीन चिलीज की। इसके मैंने सीड्स निकाल ली हैं लदा से और इसको भी हम इसी सेम चॉपर में ही ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, बस हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इसके बारीक बारीक पीसेस करने हैं। चॉपर नहीं है तो आप इसको हाथ के साथ फाइनली चॉप करें कि इसके जो चंक्स हैं वो कबाब में ना आए ज़्यादा। 2 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, बाकी के ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। ब्लैक पेपर 1/2 स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट और रेड चिली पाउडर जस्ट 1/2 स्पून, चिली फ्लेक्स 1 स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 स्पून। इसमें आपकी चॉइस है, हल्दी डालनी है तो डाल लें वरना रिकमेंडेड नहीं है। मैं डालूंगी क्योंकि जो स्पाइसेस होते हैं उसकी काफ़ी हद तक ये हील करने में काम आती है, तो मैं 1/2 स्पून हल्दी पाउडर भी डाल दी है। इसी तरह कलवंजी भी इस रेसिपी में नहीं है लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। अब एक अंडा और तकरीबन 3 स्पून प्लेन फ्लावर या मैदा और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छा, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अगर आपका कीमा जो है वो ठंडा नहीं है तो इसको आप 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, तो क्योंकि गर्म जो होगा या रूम टेम्परेचर पे कीमा होगा उसके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। इधर जो है मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, तकरीबन 1 कप ऑयल डाल के एक फ्राइंग पैन में ये गर्म करने के लिए रख दिया। और इधर फिर अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हाथ में लेके, प्लेट में भी आप रख के बना सकते हैं, इसको फ्लैट कर लें जितना भी कर सकते हैं और फिर इसको हम फ्राइंग पैन में रखते हैं। जो शॉप्स पे जो बनाते हैं मोस्टली, उसका ये होता है कि वो ना एनिमल फैट में ही जो चर्बी होती है उसी के अंदर ही इसको बनाते हैं कबाबों को, इसलिए उसका डिफरेंट फ्लेवर होता है। लेकिन हम लोग जो हैं घर में ऑब्वियसली जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं उसी में ही बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेवर का डिफरेंट हो जाता है। लेकिन
न्यूट्रिशन वाइज आई थिंक द होम वन इज होम मेड वन इज मोर हेल्थी है। एक और ज़रूरी बात कि जब हम इसको कीमे को बनवाएंगे, जिस तरह कुर्बानी का सपोज गोश्त आया है तो उसका कीमे बनवाएंगे, तो जो कबाबों के लिए या ये चप्पल कबाब या सीख कबाब के लिए जो कीमा होगा उसमें आप अलहदा से फैट्स भी उसको पिसवाएं, जो चर्बी होती है वो भी पिसवाएं, उसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। पकाने के लिए जो हो कीमा, जिस तरह कोई हमने कोई कीमा बनाना है, करेले कीमा बनाना है, भिंडी कीमा बनाना है, तो उसके लिए जो है आलू कीमा बनाना, उसके लिए जो है वो आप फैट फ्री कीमा कर लें, लेकिन जो कबाब वगैरह के लिए या कोफ्ते के लिए बनाएं उसमें फैट्स भी साथ में कीमे के साथ ही पिसवाएं, तो उसका ज़रा फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये फिर मैं बनाकर तो फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। मज़ेदार बने हैं, इसको आप ट्राई करें और ईद की खुशियों में सबको याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।